उस्मान चुनवारी आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आपको यहाँ देख के सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा। ये बताइए फिटनेस कैसी है आज के मैच में, आपने रेस्ट किया है? थैंक यू सीकू भाई, इससे पहले मैं मैच खेल रहा हूँ काफ़ी अर्से बाद, जैसा कि सबको पता है जो वन डे क्रिकेट हो रही है, इससे पहले मैं 2 मिनट T20s ही खेल रहा था, तो थोड़ा सा मसल खिंच गया था इस मैच में, मैंने कोच से रेस्ट मांगा था, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच खेलूँगा। बस ये ग्राउंड का साइज़ देख के और यहाँ जैसा विकेट है, आदमी कहते हैं रेस्ट कर ले तो बेटर है, इतने रन यहाँ बन रहे हैं, कल 380 बने, आज भी 377, तो थोड़ा मोटिवेशन कम नहीं हो जाती फास्ट बॉलर की कि इतना ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली? बिल्कुल सीकू भाई, वनडे में मैंने पहली दफ़ा इतनी बाउंड्री देखी है, वैसे हम बॉलर जो T20 ज़्यादा खेल रहे हैं वो तो यूज़ टू है, आपको पता है कि T20 में आपको यही 60 मीटर की बाउंड्री मिलती है, ओवरऑल आप जिधर भी खेलते हैं, लेकिन वनडे में जिस तरह की विकेट है और जिस जितनी बाउंड्री रखी है एज अ फास्ट बॉलर, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप अगर आप देखें तो हर मैच में 350+ रन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बॉलर्स के लिए मुश्किल होता है। आप क्या देखते हैं एज अ बॉलर, अगर आपको ऐसा विकेट नज़र आता है, ग्राउंड का साइज ऐसे नज़र आता है, तो प्रोफेशनल के तौर पे क्या आप चेंजेस लाते हैं अपने माइंडसेट में, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जिससे रन कम से कम पड़े मुझे? अगर आप देखें सिक्कू भाई, जहाँ जहाँ पे बाउंड्री शॉट है, मेरे ख्याल से स्क्वायर पे बाउंड्री शॉट है दोनों तरफ, और बाकी तकरीबन पूरी है 70 मीटर बाउंड्री है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर बैट्समैन मुझे मारने जा रहा है तो कम से कम मैं उसे स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स ना कहूँ, उसको मैं सीधे ही खिलाऊँ, वो मुझे मिड ऑफ में डाउन पे हिट मारे तो सही है, मैं खुश हूँ उससे। PSL में नई टीम आपको मिली है, अब आप क्वेटा के साथ होंगे, इससे पहले आपने कराची के साथ भी टाइम गुजारा है, चेंज जब आता है, ये मैं उमैद आसिफ से भी पूछ रहा था, एक टीम से दूसरी टीम में, तो कितना एज अ प्लेयर आपको फ़र्क लगता है कि नई जगह जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने? पहली बात ये है कि अच्छा होता है अगर आप एक ही फ्रेंचाइज से रेगुलर खेलते हैं, क्योंकि आपकी जो सेटलमेंट होती है टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ एक कम्बिनेशन बन जाता है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं अगर आपकी टीम चेंज होती है, क्योंकि माशाल्लाह क्वेटा में जितने भी प्लेयर्स हैं सबके साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ और बहुत सी फॉर्मेट्स खेला हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, जल्दी एडजस्ट करेंगे। फ़ायदा ये होता है कि पुरानी टीम के खिलाफ जब मैच होता है ज़ोर ज़्यादा लगता है खुद ही, ये है कि ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सही बात है। और आपका लोबिया का जो एक क्रेज़ है वो चल रहा है अभी तक? बिल्कुल, उस दिन डिनर में बना था तो हर कोई मुझसे ही पूछ रहा है कि यार लोबिया का है, मैंने कहा भाई 3 दफ़ा खा लिया बस कर दे। चले, आपको यहाँ में देख के बहुत खुशी हुई और आपको बहुत जल्द एक्शन में भी देखेंगे, शुक्रिया। थैंक यू सीकू भाई, थैंक यू।